जी फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज इमरान एंड यू आर वाचिंग इमरान ट्रैवलिंग व्लॉग्स। तो आज हम बात करेंगे कि अगर आप यूएई में हो और आपने अपनी फैमिली को और अपने बच्चों को स्पॉन्सर करना है, फैमिली वीज़ा पे बुलाना है, तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होगी और इसके टोटल चार्जेस। सबसे पहले तो आपका अपना रेजिडेंट वीज़ा होना चाहिए, जो कि 2 साल का भी होता है और या फिर फ्री जोन का है तो वो 3 साल का भी होता है। ठीक है, तो आपका अपना वीज़ा जो है वो वैलिड होना चाहिए, आपका एमिरेट्स आईडी कार्ड हो, ठीक है, आपका पासपोर्ट और आपका वीज़ा और आपका एमिरेट्स आईडी, ये तीनों डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। ठीक है, प्रोफेशन आपका कुछ भी है, सेल्स का है या ड्राइवर का है या कोई भी है या उससे ऊपर कोई भी है, ठीक है, मिनिमम सैलरी जो है आपकी वो होनी चाहिए, लेबर कॉन्ट्रैक्ट में लिखी वो जी 4,000 दिरहम होनी चाहिए। लास्ट 3 मंथ की आपकी बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए होगी, जिसमें आपकी सैलरी शो हो रही हो कि वाकई ही आपकी सैलरी जो है वो 4,000 दिरहम है आपके पास। ठीक है, ये हो गया। दूसरा फिर ये है कि आपके पास यहाँ पे एक घर होना चाहिए जो आपके नाम पे हो, जिसको हम बोलते हैं टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, वो आपके पास होना चाहिए, चाहे स्टूडियो है, चाहे 1 बेडरूम है, चाहे 2 बेडरूम है, डजंट मैटर। एक जो है टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपके नाम पे होना चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके नाम पे होने चाहिए। मैं दोबारा से ये डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ आपको, आपका पासपोर्ट, आपका वीजा, आपका एमिरेट्स आईडी, आपका लेबर कॉन्ट्रैक्ट, आपका आपकी बैंक स्टेटमेंट और आपका एक सैलरी सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा, प्लस आपका एक जो है टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होगा। ये पर्सनल आपके डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास रेडी हैं तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि आप अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को स्पॉन्सर कर सकते हैं। अच्छा, इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है? फॉर एग्जांपल, आप अपनी वाइफ को बुला रहे हो तो वाइफ का पासपोर्ट की कॉपी, वाइफ की एक पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए विद वाइट बैकग्राउंड, जो आपका मैरिज सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए और वो अटेस्टेड होना चाहिए वहां से, जैसे पाकिस्तान से बुलाते हैं तो यूए एम्बेसी से एंड फॉरन अफेयर से। ठीक है, ये अटेस्टेड होना चाहिए। अगर बच्चे हैं साथ में तो बच्चों का जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो अटेस्टेड होना चाहिए, सेम यूए एम्बेसी से और फॉरन अफेयर से। जो बेफाम है उसकी अटेस्टेशन की जरूरत नहीं पड़ती इसके लिए, जस्ट बर्थ सर्टिफिकेट इनफ है। प्लस जो है स्मार्ट कार्ड की कॉपीज होनी चाहिए, जो कि शनाख्ती कार्ड जिसको बोलते हैं, वाइफ का भी और बच्चों का भी स्मार्ट कार्ड लाजमी होना चाहिए। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स हो गए, वहां से आपने मंगवा लेने हैं। फिर यहाँ पे आपके आपने जो मैरिज सर्टिफिकेट है और जो बर्थ सर्टिफिकेट है इनकी लीगल ट्रांसलेशन करानी है, क्योंकि मोस्टली वो इंग्लिश में होते हैं तो उसकी आपने ट्रांसलेशन यहाँ से अरेबिक में करवानी है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद ट्रांसलेशन हो जाती है, इसके बाद आपके जो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं आपके पास वो आप लेके जाएंगे और आप जाके किसी भी टाइपिंग सेंटर से आप जो है अपना ये वीजा प्रोसेस करवा सकते हैं। ये वीजा जो है फैमिली वीजा इसको बोलते हैं, ये लाइक जल्दी हो जाता है, इसमें कोई इतना वो नहीं है। ठीक है, तो वीजा आपको वो मिल जाता है, पेपर वीजा मिल जाता है, आप वहां पे उनको भेज देंगे, वहां से वो टिकट वगैरह करवाएंगे और आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आने के बाद जो वाइफ है उनका जो है मेडिकल होगा, बच्चे जो 18 साल से कम होंगे तो उनका मेडिकल इसमें नहीं होता, वो मेडिकल पास हो गया। उसके बाद जो है एमिरेट्स आईडी के लिए और वीजा पेस्टिंग के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। वीजा पेस्टिंग और ये सारी चीजें हो जाती हैं। ठीक है, आपने पासपोर्ट सबमिट कर दिया वीजा पेस्टिंग के लिए तो विद इन अ वीक और 10 डेज मैक्सिमम, ये जितना भी प्रोसीजर है लैंड होने के बाद ये क्लियर हो जाता है। फिर उसके बाद पासपोर्ट जो है आप वाया कोरियर आप अपने घर पे या अपने ऑफिस में रिसीव कर सकते हैं। ठीक है जी, ये हो गया। अच्छा, इसमें एक और चीज भी है कि अगर आप अर्जेंट करना चाहते हैं वीजा पेस्टिंग तो उसके लिए कुछ 100 दिरहम फीस एक्स्ट्रा होती है, तो वो आपको सेम डे भी मिल जाता है। मेडिकल के बाद की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि जैसे मेडिकल वगैरह भी हो गया, हर एक चीज होगी, तो आप कहते हैं कि नहीं यार मुझे वीजा पेस्टिंग जल्दी कराना है, तो फिर आप क्या करेंगे, आप 100 दिरहम एक्स्ट्रा फीस पे करेंगे तो आपको सेम डे आपका पासपोर्ट जो है वो मिल जाता है। ठीक हो गया जी, तो इस सारे प्रोसीजर के लिए। अच्छा, एक चीज मैं इसमें और मिस कर गया हूँ, सॉरी, वो भी आपको मैं बता दूं कि आपने जब बच्चे आपकी फैमिली यहाँ लैंड हो जाएगी, आ जाएंगे, जब आपने मेडिकल वगैरह के लिए अप्लाई करना है, वीजा पेस्टिंग के लिए अप्लाई करना है, तो आपको जो है हेल्थ इंश्योरेंस के लिए भी, मेडिकल इंश्योरेंस जिसको बोलते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस भी लाजमी चाहिए होगी। ठीक है, तो मेडिकल इंश्योरेंस भी आपने लेनी होगी, तो आपके वो सारे डॉक्यूमेंट्स प्लस
आपकी इंश्योरेंस प्लस आपके बच्चों की इंश्योरेंस, जो वाइफ या बच्चे जो भी हैं, ठीक है, तो वो मेडिकल इंश्योरेंस भी आपने लेनी है। वो आपकी मर्जी, आप बेसिक वाली ले लो या आप जैसी वाली भी ले लो, नॉर्मल 500-600 दिरहम में जो है वो मेडिकल इंश्योरेंस भी एक साल की मिल जाती है, तो वो हो गया, ठीक है। तो ये भी आपने लाजमी इन इन पेपर्स के साथ लगानी है, ठीक है। तो अगर बात कर लें, जैसे वाइफ है तो ये सारा वीजा प्रोसीजर में सारी चीजों में टोटल कितनी कॉस्ट आ जाती है, तो देखें वीजा निकालने में, वीजा को पेस्टिंग कराने में, एमरेट्स आईडी की पेमेंट ले लें, मेडिकल की पेमेंट ले लें, हर एक चीज ले लें, तो ये सारी पेमेंट मिला के 2000 के करीब है, ठीक है, ऑलमोस्ट 2000 माइनस प्लस बन जाता है। हाँ, अगर आपने इंश्योरेंस में साथ ऐड करना है तो 500 ऊपर कर लें, तो 2500 के अंदर अंदर ये आपकी जो वाइफ का वीजा है वो बन जाएगा, ठीक है। बच्चों का क्योंकि मेडिकल नहीं होता, तो बच्चों का जो मेडिकल की फीस होती है वो आप इसमें से निकाल दें, तो वो फिर आपको यानी कि समझ लें कि 1500 के अंदर अंदर हो जाएगा सारा। तो ये इस तरह से डॉक्यूमेंटेशन की पूरी डिटेल जो है मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और अगर आपको मजीद इस टॉपिक पे कुछ और मजीद पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, मेरे इंस्टा पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी है इमरान ट्रैवलिंग व्लॉग्स, और मेरे इसी चैनल पे आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं, कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि अगर किसी को इस टॉपिक पे स्पेशली फैमिली वीज़ा के ऊपर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं हाजिर हूँ, मैं ज़रूर गाइड करूँगा, ठीक है गाइस। तो आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे, ठीक है जी।